नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्येंदु मंडोल, मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं निफ्टी का ईयरली और मंथली एनालिसिस करने का कोशिश कर रहा हूँ। इसमें मैंने 50 डेज मूविंग एवरेज लगाया है और 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 200 डे मूविंग एवरेज और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाया है। और इधर से मैंने 2012 से मैंने फिबोनाची लेवल ड्रॉ किया है। तो देखिए, इसमें ये 2012 से कंटिन्यूसली मतलब 20 डेज का मैं सपोर्ट ले रहा है। 2017 से भी कंटिन्यूसली ये 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में सपोर्ट ले रहा है। और ये कभी भी 2017 से कभी भी ये अभी कुछ महीना ये थोड़ा सा 20 डेज मूविंग एवरेज का नीचे आया है। और ये 10,325 के नीचे, ये 10,000 के नीचे जा सकता है, नहीं तो इसका। और लास्ट मैं 2019 जनवरी से मैंने ये लेवल ड्रॉ किया है। तो ये देखिए, ये 78.6 का नीचे थोड़ा सा आया है, ये जा सकता है। ओनली इफ ये 10,300 का नीचे जाएगा तो तब भी ये 10,000 के नीचे आ सकता है। और इंडिया वीक्स कंटिन्यूसली मैंने इस ईयर का शुरुआत से, जनवरी से मैंने डाटा देखा है, तो इसमें कंटिन्यूसली 15 के ऊपर इंडिया वीक्स दिख रहा है। तो इसका असर पड़ सकता है कुछ निफ्टी को पुश नीचे पुश करने के लिए कोशिश करेगा। और डॉलर इंडेक्स भी 100, 50 और 200 का जो गोल्डन क्रॉस है, वो भी डॉलर इंडेक्स क्रॉस किया है, वो 102 के ऊपर जाएगा तो 109, 111 तक वो टेस्ट करेगा। इसका असर भी निफ्टी के ऊपर आ सकता है, निफ्टी को पुश बैक कर सकता है। लेकिन 10,000 के नीचे जाने का बहुत रिमोट चांस है। और इन्वेस्टमेंट और जो ओवरऑल इकोनॉमी है, मानसून भी अच्छा रहता है और ओवरऑल प्रोजेक्ट जो ग्रोथ रेट है, तो इसमें से पता चलेगा कि ये 10,000 के नीचे जाने का पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है। और जो आप लोग FDI और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट का जो डाटा देखेंगे, उसका भी कभी बढ़ता है, कभी कमता है। तो उसका जो ओवरऑल FDI इन्वेस्टमेंट अच्छा ही रहता है, तो इसमें ओवरऑल हम लोग कंसीडर करेंगे तो 10,000 के नीचे जाने का पॉसिबिलिटी बहुत कम ही है। और इसके ऊपर सोच लीजिए, 11,197 ये जो 61.8 लेवल दिखा रहा है, इसमें इसका ऊपर जाएगा तो निफ्टी अपवर्ड मूवमेंट ले सकता है। और मेरा जो इसमें कैलकुलेशन है, मैंने इधर निफ्टी का ये जो 2019 का शुरुआत से मतलब जनवरी से मैंने हाई लोअर क्लोज लिया है, तो ये देखिए 11,361 का ऊपर ये ऊपर जा सकता है। और 10,981 का तो नीचे ही है, 10,670 के नीचे ये 10,411 ये इट विल कम टू बिकम बिलो, इट कैन कम बिलो 10,000 इफ एंड ओनली इफ इट कैन गो बिलो 10,400। फिबोनाची लेवल भी ऐसा दिखा रहा है, ये देखिए ये जा सकता है ओनली इफ ये 70 ये लेवल तोड़ेगा, मतलब